सुनीता मैडम उपायुक्त, जिससे हमने आज मुलाकात की, जो हमारी ह्यूमन राइट की जो टीम है अलहमदुल्ला उनका पूरा चर्चा हुई, जो ऑनलाइन पॉलिसी जो रक्षे वाले को जो है तो उसके ऊपर एक एक टीम में 30 पॉलिसी दी जा रही है, तो तकरीबन हमारी 20 से 25 मिनट हमारी वहां चर्चा हुई और हमने उनसे मांग करी। जब मैं देखो भाई ऑनलाइन जो पॉलिसी है 55,000, 15,000, 10,000 इसके ऊपर कुछ थोड़ा सा रहित किया जाए, तो अलहमदुल्ला उन्होंने कहा कि भाई जो भी पॉलिसी है वो हमारे पास ला कर दीजिए, हम उसके ऊपर निर्णय लेंगे। हमारी कल की मीटिंग है और हमने ये भी कहा है कि कल से जो है अलहमदुल्ला रक्षे वाले के ऊपर जो थोड़ी ज्यादती हो रही है तो इसके ऊपर थोड़ा कम किया जाए। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिलाया हम इसके ऊपर गौर करेंगे। और कल जो रक्षे वालों को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं, मेरी रक्षे वालों से भी ये अपील है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना लेते हुए, यानी पुलिस प्रशासन की मदद करते हुए, थोड़ा सा धीमे हिसाब से जहां भी आपको स्टॉप मिलता है वहां आप रोकिए, लेकिन साइड में रोकिए। जहां भी आपको स्टॉप मिलता है, जहां भी आपका पैसेंजर रोकने का बोलता है, हम आपकी सहायता करेंगे और हम पुलिस प्रशासन से इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कहीं भी आप इसमें रक्षे में यानी रोड के ऊपर आप रोकते हैं, ये सरासर यानी गलत है, कानून के नियम का पालन नहीं है, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, हम इसके बारे में आपकी सहायता नहीं करेंगे। हाँ, साइड में आप लगाते हैं तो हम आपको वादा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम आखिरी सांस तक आपकी जरूर इंशाल्लाह आपको इंसाफ दिलाने के लिए बिल्कुल हम लड़ते रहेंगे। और आप इसके बारे में आपने ड्रेस का भी पालन करना चाहिए, जो ड्रेस है जो नियम है, लाइसेंस आप निकालो, लाइसेंस आपके पास दे आपको बोलो हम आपका लाइसेंस निकाल के देंगे, हम आपके साथ में चलेंगे। जो भी नियम है अल्हम्दुलिल्लाह कायदे का फॉलो करो आप, अब हम हमेशा इंशाल्लाह आपके साथ में रहेंगे। लेकिन नियम पर माने, जो आपको ड्रेस का कहा गया आप ड्रेस बिल्कुल पहनिए, आपको लाइसेंस के बारे में कहा आप लाइसेंस जरूर जो है आपका लाइसेंस नहीं है, और जो है तो आपने जो रक्षे के जो डॉक्यूमेंट्स पेपर होते हैं ये क्लियर रखिए, इंशाल्लाह हम आपके साथ। तो ऑनलाइन पॉलिसी के बारे में जो हमने अभी मैडम से बात की है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा 100% हमको वादा दिलाया, हम इसके जरूर इसके ऊपर कल मीटिंग करेंगे और इसको पूरी की पूरी हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। ये पावती वाले हैं, जो भी मेरे पास पावती है, जिसके 55,000 की पावती है, 50,000 की पावती है, यानी 40,000 की पावती है, वो मेरे पास, मैं अपील कर रहा हूँ रक्षे वालों को, ये पावती मेरे पास जमा कीजिए, मैं टोटल ये पावती कैंसिल करा के आपको जरूर दूंगा। तो उनके लिए एक ऑनलाइन पावती दी जा रही है और ऑनलाइन पावती 2,000 से लेकर 55,000 तक पावती दी जा रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही और उस नाइंसाफी के तहत उन लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को एक निवेदन दिया पे हमको इंसाफ दिला दिया जाए, और उसी बुनियाद पर आज जिलाधिकारी को निवेदन दिया गया, मुख्यमंत्री को निवेदन दिया गया और पुलिस कमिश्नर ऑफिस को भी निवेदन देने हम लोग जा रहे हैं अभी, और ये पूरी कार्रवाई हमारे साहब का प्रधान साहब जो मानवाधिकार के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है वो लोग कर रहे हैं। थैंक यू। आज मानवाधिकार आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार तर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले, निवेदनचं महत्व असं होतं का औरंगाबाद शहरात जे 35,000 रिक्षा चालक आहे त्यांना विनाकारण ऑनलाईन पावत्या मागून दिल्या जात असून त्या निश्चितार्थ आज साहेब कपाटणी यांच्या नेतृत्वामध्ये आज जिल्हा अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आलं आणि ऑनलाईन पावत्या पोलीस आयुक्त यांनी थांबवल्या नाही तर पुढच्या वाटचाल आता तीव्र स्वरूपामध्ये आंदोलन रिक्षा चालक करणार आहे। औरंगाबाद शहर के अंदर तकरीबन 2 महीने से रक्षे का जो मामला चल रहा है ऑनलाइन पावती का, तो हमारी टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर काफी मेहनत कर रही है, जैसा हमारे रशीद भाई ओसामा बिन कोलक है और तमाम हमारी पार्टी के जो जिम्मेदार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से हम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अब हमें इससे मालूम पड़ा है कि भाई पुलिस अपने पुलिस प्रशासन की तरफ से कि भाई रक्षे वालों के पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास ड्रेस नहीं है, इसके पास इनके पास ब्रांच नहीं है, तो इसके बारे में हमने मालूम दी है तकरीबन रक्षे वालों के पास लाइसेंस है, कुछ रक्षा ऐसे है जो बगैर लाइसेंस का चलाते हैं, हमने उनको भी जो तो सख्ती से उनके ऊपर हमने कहा कि भाई आप लाइसेंस बना लीजिए। लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं औरंगाबाद शहर के अंदर, यानी जो शराब के दुकाना चल रहे हैं टोटल औरंगाबाद शहर के अंदर, इनके पास कितना परमिशन है और इनके ऊपर आप कितनी सख्ती कर रहे हैं और इनके ऊपर आपने कितनी पाबंदी लगाई है, तो मैं ये प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि भाई आज औरंगाबाद शहर के अंदर आपको देखने को मिलता है मीडिया के माध्यम से कि कहीं औरंगाबाद शहर के अंदर शराब की दुकान जो है तो इलीगल तरीके से चल रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसको अनदेखी करती है, यानी इनके ऊपर नजर नहीं है। और जो हलाल की रोजी कमाते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने बोलन पासन करने के लिए अपनी रात और दिन मेहनत
सुबह से 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक मेहनत करते हैं, तो पूरी पुलिस प्रशासन की नजर जो है तो इन रक्षे वालों के ऊपर है। तो मेरा यही कहना है, ये जो गरीब लोग हैं इनको न्याय मिलना चाहिए और इनकी ऑनलाइन पार्टी जो है तो इसके ऊपर तत्काल जो है इसको बंद करना चाहिए, यही हमारी मांग है। अगर से ऐसा नहीं होता है शहर के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है तो हम कायदे से अल्हम्दुलिल्लाह और हम कलम से बड़ी से बड़ी कलम चलाकर इसका जो है तो हम इसका पालन करेंगे और इसका विरोध करेंगे।